हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया जिसमें मैं आपको पेंटोग्राफ के बारे में समझाऊंगा, मतलब कि आखिर इलेक्ट्रिक इंजन्स OHE वायर से सप्लाई कैसे देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि OHE वायर्स क्या होते हैं। OHE का मतलब है ओवरहेड इक्विपमेंट्स। इसमें दो कॉपर के वायर्स लगे रहते हैं जिनमें 25,000 वोल्ट्स का करंट हमेशा लगता है और इसी से इलेक्ट्रिक इंजन्स चलते हैं। अब उससे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि वो वायर को स्ट्रेट रखना पड़ता है। स्ट्रेट क्यों रखना है ये आपको आगे समझ जाएगा, लेकिन हम स्ट्रेटनेस को कैसे रखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। OHE में एक ऑटो टेंशनिंग डिवाइस लगा रहता है जिसमें कि 3 पुलीज और कई सारे पत्थर लगे रहते हैं। उन पत्थर का टोटल वेट रहता है 667 केजीज, मतलब कि इतने प्रेशर से उसकी टेंशन जो है वो बरकरार रहती है। तो आखिर अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ऑटो टेंशनिंग डिवाइस क्यों लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ठंडी में या फिर गर्मी में हमेशा जो वायर रहता है वो एक्सपैंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मौसम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं और इसी को एक ही टेंशन, मतलब कि एक कॉन्स्टेंट टेंशन रखने के लिए हम ऑटो टेंशनिंग डिवाइस लगाते हैं। अब मैं आपको पेंटोग्राफ्स के बारे में बताता हूँ। तो पेंटोग्राफ आखिर क्या होते हैं? पेंटोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऊपर OHE से इलेक्ट्रिसिटी लेके इलेक्ट्रिक इंजन्स को सप्लाई करता है। अब आप ये सोचते होंगे कि पेंटोग्राफ कॉन्स्टेंटली वायर को कैसे टच करे हुए रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पेंटोग्राफ एयर प्रेशर से कंट्रोल्ड रहते हैं, मतलब कि उसमें एक कॉन्स्टेंट एयर प्रेशर रहता है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, जो कि पेंटो को हमेशा ऊपर कॉन्स्टेंटली रखता है। और जब इंजन को बंद करते हैं कहीं भी तो पेंटोग्राफ को नीचे कर लेते हैं, मतलब कि एयर प्रेशर को वहां से हटा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि OHE के जो वायर रहते हैं वो कॉपर से बने हुए रहते हैं, मतलब कि जो हार्ड मेटल है, और वहीं हम पेंटोग्राफ के ऊपर एक कार्बन स्ट्रिप लगाया करते हैं जो कि थोड़ा सा लाइट है। अब आपके मन में सवाल कई बार आता होगा कि ट्रेन तो इतनी दूरी चलती है पर तब भी वायर और साथ ही साथ पेंटोग्राफ ये घिसते क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वायर रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटल, मतलब कि कॉपर से बने हुए रहते हैं, और साथ ही साथ पेंटोग्राफ ये भी मेटल के रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर में एक कार्बन प्लेट हम लगा दिया करते हैं। कॉपर एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, हार्ड मेटल है, और कार्बन स्ट्रिप काफी लाइट रहती है, तो साइंस के हिसाब से जो लाइट वाला रहेगा वो पहले घिसेगा। और यही हम चाहते भी हैं, क्योंकि अगर कॉपर के वायर्स घिसने लग जाएं तो हमें उन्हें बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा और ये काफी महंगा पड़ता है। और वहीं अगर पेंटोग्राफ के ऊपर जो कार्बन स्ट्रिप लगी है अगर वो घिस भी जाए तो क्या हो गया, हम उसे बार बार चेंज कर लेंगे, ये काफी सस्ता पड़ता है रेलवे के लिए। और साथ ही साथ दो OHE के बीच में हमेशा वायर ऐसे 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 ऐसे, मतलब थोड़ा ज़िगज़ैग टाइप का रहते हैं, वो पूरे के पूरे स्ट्रेट नहीं लगे रहते हैं, मतलब कि जो पूरा पेंटो है वो वायर एक ही जगह से उसमें नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये वायर है, ये पेंटोग्राफ है, तो हमेशा पेंटोग्राफ ऐसे करके पूरा जाता है, मतलब कि वो जो वायर है वो पूरे पेंटोग्राफ में टच होता है, वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। तो अब आप समझे होंगे कि पेंटोग्राफ और OHE के वायर घिसते क्यों नहीं है। अब आप जब भी ट्रेन में जाते होंगे तो आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी इंजन्स चलते हैं उनमें हमेशा पीछे वाला पेंटोग्राफ उठाया जाता है, मतलब कि रियर पेंटोग्राफ। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो हमेशा रियर पेंटोग्राफ ही उठाया जाता है? तो मैं आपको इसका सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। अगर हम उठा के चलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, मतलब कि इंजन को थोड़ा सा पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा। और वहीं अगर हम रियर पेंटोग्राफ उठाते हैं तो उसमें फ्रिक्शन थोड़ा कम लगता है और एक खींचने को दर्शाता है, मतलब कि इससे डायरेक्टली पता चलता है कि वो जो इंजन है वो ट्रेन को खींच रहा है। इसमें फ्रिक्शन कम है इसलिए थोड़ा सा आसान है इंजन के लिए, इसमें थोड़ी सी कम पावर लगानी पड़ रही है। और वहीं अगर फ्रंट पेंटोग्राफ हम उठा देंगे तो इसमें थोड़ा इंजन को ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। इस कारण से हमेशा जिस डायरेक्शन में इंजन जा रहा है उसमें पीछे वाला पेंटोग्राफ उठाते हैं। अब आपको ये चीज तो पता ही होगी कि हर इंजन में दो पेंटोग्राफ होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पीछे वाला पेंटोग्राफ नहीं उठाए तो गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती। हम फ्रंट पेंटोग्राफ से भी चला सकते हैं। मान लीजिए अगर पीछे वाला पेंटोग्राफ खराब हो गया तो हम फ्रंट वाले पेंटो से चलाएंगे। ऐसा आपने कई ट्रेन में देखा भी होगा जहाँ फ्रंट पेंटोग्राफ से ट्रेन चलती है। अब मैं आपको पेंटोग्राफ्स के कुछ टाइप बता देता हूँ। पेंटोग्राफ्स दो टाइप के आते हैं, एक सिंगल आर्म पेंटोग्राफ होता है और एक डबल आर्म पेंटोग्राफ होता है। डबल आर्म पेंटोग्राफ हमेशा आपने बहुत पुराने जमाने वाले इंजन में देखा होगा जो कि कुछ इस टाइप के होते थे, और सिंगल आर्म वाले पेंटोग्राफ हमेशा ऐसे होते हैं। ये काफी नई टेक्नोलॉजी है और काफी एडवांस है, दिखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में हमेशा डबल स्टैक कंटेनर की मालगाड़ियां चलती है, इस कारण से वहाँ पे वायर काफी ऊपर है, जिस वजह से वहाँ पे हाई राइज पेंटोग्राफ लगाया गया है। हाई राइज पेंटोग्राफ क्या है? कुछ नहीं, इसकी हाइट काफी ज्यादा रहती है। और मैं आपको बता दूं कि पेंटोग्राफ में हमेशा एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, मतलब कि वायर कभी कभार एकदम से ऊपर हो जाएगा, एकदम से नीचे हो जाएगा, तो इतनी स्पीड में अगर पेंटोग्राफ का थोड़ा सा उसमें से कॉन्टैक्ट हटता भी है तब भी वो कैपेसिटर और रेक्टिफायर इंजन को बराबर सप्लाई देते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर वायर ऊपर होता है तो पेंटोग्राफ भी ऊपर हो जाता है, और अगर वायर नीचे होता है तो पेंटोग्राफ भी थोड़ा सा नीचे हो जाता है, वो वायर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता रहता है। और अब नए पेंटोग्राफ्स तो इस टाइप के आ गए हैं। मान लीजिए कभी गलती से या फिर कोई खराबी के चलते कोई इलेक्ट्रिक वायर टूटा हुआ है, या फिर उस लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक वायर नहीं है और वहाँ पे अगर वो ट्रेन चले जाए तो वो पेंटोग्राफ अपने आप नीचे आ जाता है। वरना पहले की टेक्नोलॉजी में ऐसा होता था कि वो हमेशा ऊपर हो जाता था और पेंटोग्राफ टूट जाता था। आई होप आपने पेंटोग्राफ को काफी अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेंटोग्राफ का नाम आखिर कैसे पड़ा।
तो पेंटोग्राफ में हमेशा दो डंडी नीचे रहते हैं और तीन ऊपर की तरफ रहते हैं, टोटल मिला के पांच हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ा पेंटोग्राफ। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में पेंटो भी बोल सकते हैं। आई होप आज आपको कई सारी नई जानकारी जानने को मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। तो ऐसी ट्रेन की जानकारी के साथ हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।